हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट पर्पस। और भाई आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं जो है आप लोगों को एक फिर से फ्लेयर गन वाली लोकेशन दिखाने वाला हूं। अच्छा, अब आप लोगों को दोस्तों याद होगा मैंने जो आप लोगों को भाई कई बार हिडन प्लेस दिखाई है जहां पे दोस्तों आपको जो है फ्लेयर गन मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों भाई अब जो है ना रेंगल के अंदर एक टावर आ चुका है जहां पे दोस्तों आपको 101% जो है भाई फ्लेयर गन मिलती है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो है हर एक मोड में आपको मिलता है, मतलब आपको जब वो फुटबॉल मोड आया था उसके अंदर भी मिलता था। अब यहाँ पे दोस्तों जो है मार्शल शोडाउन है तो भाई इसके अंदर भी आपको मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस न्यू अपडेट के अंदर भी जो है ना टावर को भाई हटाया नहीं गया और यहाँ पे दोस्तों जो है आप लोगों को 101% भाई फ्लेयर गन मिलती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब फिलहाल तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आपको कैसे कहाँ मिलता है वो टावर। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं प्लेन पाथ भाई जो है हॉस्पिटल से जा रहा था नोवडो की तरफ में, तो मैंने कहा चलो भाई बीच में ये टावर भी आ रहा है तो मैंने कहा चलो आज यहीं का आपको गेम प्ले दिखाता हूँ। हालांकि दोस्तों मेरा प्लान था भाई इस वाले मैच में ना मैं स्पॉन जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो है प्लेन पाथ आया नहीं तो मैंने कहा चलो भाई इस टावर पे चलते हैं। और इस टावर को ना एकदम हाईलाइट भी करा हुआ है, आप देख सकते हैं नीले रंग से। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई इस टावर पे ना इतना आसान भी नहीं है फ्लेयर गन को उठाना, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ना जैसे आप सोच रहे हो मैं फ्लेयर गन को लूटने जाऊंगा तो भाई और बंदे भी तो आएंगे अपनी गंदी ने दिखाने के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों आपको उनको मारना पड़ेगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे जो है आपको फ्लेयर गन छीननी पड़ेगी उनसे, मतलब भाई इतना आसान नहीं है यहाँ पे फ्लेयर गन लूटना। लेकिन यहाँ पे दोस्तों गारंटी इस बात की है कि फ्लेयर गन मिलेगी। अब यहाँ पे अगर आपको फ्लेयर गन चाहिए हर मैच में तो भाई आप यहाँ पे उतर सकते हो, अदरवाइज दोस्तों अगर आपको लगता है कि भाई आपको माइनस हो जाएगा आपकी केडी गिर जाएगी तो यहाँ पे दोस्तों आप ना हो, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बंदे जरूर आते हैं साथ में। और यहाँ पे दोस्तों भाई अभी आपको दिखाऊंगा इस टावर के अंदर ना भाई लिफ्ट भी आ गई है। पहले दोस्तों यहाँ पे जो है ना लिफ्ट हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है ना वो काम नहीं करती थी। अब दोस्तों यहाँ पे जो लिफ्ट आ गई और भाई वो काम भी करती है, क्योंकि भाई यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर ना बहुत सारी सीढ़ियां हैं जो कि दोस्तों भूल भुलैया टाइप की है, बस आप देखते जाना भाई उसमें बंदा घूमते रहेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो इन लोगों ने भाई यहाँ पे लिफ्ट बना दी है ताकि दोस्तों आप लोगों का काम आसान हो सके। अब फिलहाल दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे कूदता हूँ ना तो मुझे कोई भी नहीं दिखता, ठीक है भाई दोस्तों। अरे वाह मजे आ गए, कोई नहीं आया, मस्त लुटूंगा आराम से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं गलत होता हूँ, अभी आप देखते जाना। मैं दोस्तों यहाँ पे जो है पहले नीचे लूटा पार्टी करता हूँ क्योंकि मैं ऊपर नहीं कूद पाया था। और भाई आते मेरे को भदड़ बदड़ मिल जाती है, लेवल 2 का टोपा मिल जाता है, लेवल 1 का बस्ता मिल जाता है, और भाई ये तीर मिल जाते हैं, ठीक है धनुष मिल जाता है, एक्सप्लोसिव ब्लो करके क्या दाम था जो भी था इसका नाम, तो भाई मेरे को ये मिल जाता है। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है ये मिल चुका है। और मैंने देखा एक बंदा दूर है, ठीक है मतलब उतरा तो है लेकिन यहाँ पे कोई नहीं उतरा है। अब यहाँ पे मैं जो भी फटाफट से जाता हूँ सोचता हूँ चलो भाई फटाफट से प्लेयर के उठाएंगे, लेकिन भाई जैसे मैं आता हूँ भाई साहब मेरे को पुष्ट लग जाते हैं। मैंने कहा अरे भाई बंदा पहुंच गया यार, मैंने कहा अरे यार दिक्कत हो जाएगी दिक्कत हो जाएगी। अब फिलहाल दोस्तों मैं सोचा चलो एक ही बंदा है, अभी ये गन वन लूट रहा होगा लूटा पार्टी कर रहा होगा, मैं जाके इसको घुस के मारता हूँ। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ ना तो भाई मुझे पता चलता है यहाँ पे 2 बंदे हैं, अभी आप देखना। अब भाई जैसे मेरे को 2 बंदों की पुष्टअप आते हैं मैं कंफ्यूज होता हूँ, मैंने कहा क्या करूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिफ्ट के पास आता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि भाई लिफ्ट काम कर रही है। हाँ तो मैंने देखा भाई बटन बटन दबाने का ऑप्शन तो आ गया, तो मैंने कहा यार मैं कैम करता हूँ, ठीक है क्या पता नीचे आएगा उसको मार दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है भाई कैम हो ही नहीं जा रहा था वैसे, क्योंकि आपको पता मैं ज्यादा कैम वैम कर नहीं सकता हूँ, लेकिन भाई सोलो में मैं आपको प्रेफर यही करूँगा भाई कैम करना चाहिए। अब यहाँ पे जो आप देखते मैंने लिफ्ट का बटन दबाया और आप देखते लिफ्ट काम भी कर रही है, काउंटिंग स्टार्ट हो गई थी लिफ्ट की, तो भाई अभी 6ठे फ्लोर पर थी तो भाई उससे नीचे आने में टाइम लगेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो मैंने कहा चलो भाई इसको घुस के ही मारते हैं, लेकिन भाई मेरे को बंदे की पोजीशन नहीं पता थी कहाँ पे, तो भाई मैं जो थोड़ा बहुत ढूंढ रहा था उसको। और भाई यहाँ पे दोस्तों मैं जब आता हूँ ना तो भाई मेरे को जो है ढंकी गन भी मिल जाती है, अब मेरे को यम भी मिल जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मैंने कहा चलो भाई इसको उठाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी आप देखना भाई क्या सीन होने वाला है मेरे साथ। अब भाई मैंने शॉर्ट गन उठाई ओम प्रकाश मिश्रा और भाई यहाँ पे दोस्तों जो है मेरे को यम भी मिल रही थी, लेकिन भाई ये तीर ऑटोमेटिकली बार बार उठ रहा है। मैंने कहा अरे भाई क्या दिक्कत है, अब यहाँ पर मैं बार बार यम उठा रहा हूँ लेकिन भाई ऑटोमेटिकली उठ जाता है। मैंने कहा अरे भाई कितना चेप है ये, इतना तो लड़की भी चेप नहीं होती जितना ये तीर चेप हो रहा है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मैं कितनी बार छोड़ रहा हूँ वापस से ऑटोमेटिकली उठ जा रहा है। मैंने कहा अरे भाई क्या करूँ इसका मैं, ये तो बार बार चेप हो रहा है मेरे। अब फिलहाल दोस्तों जब ये ज्यादा चेप होता है तो मैंने इसको उठाई लिया और इसको आगे लेके मैं बढ़ जाता हूँ। और भाई साहब ये वाला बंदा देख रहे हो कहाँ कैम कर रहा था भाई, इसका नाम हेडशॉट नहीं कैम शॉट होना चाहिए, मतलब कैम करके मारता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बंदे ने भाई फ्लेयर गन उठा लेती है और भाई आते ही मेरे को यहाँ पे फ्लेयर गन मिल गई है। तो मैंने आप लोगों को बोला ना आपको 100% फ्लेयर गन मिलती है यहाँ पे। अब यहाँ पे उसके पास यम यम पी भी थी और भाई साथ में जो है यम 4 तो गॉड गन भी थी, तो मेरे को वो उठानी थी। लेकिन दोस्तों मेरे को जो है ना नीचे कुछ फायर आ रहे थे तो मैंने कहा चलो जाके भाई फटाफट से मारते हैं। अब मुझे लगा नीचे शायद कमलेश है तो भाई फटाफट से उसको खेल चुराते हैं। अब आप देख सकते हैं भाई मेरे को फुस्टा भी बहुत सही आ रहे थे तो मैंने कहा चलो भाई इसको मारते हैं भाई कमलेश को भाई फटाफट से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये ना कमलेश नहीं होता, शायद से ये वो वाला बंदा होता है जो कि लिफ्ट यूज करके भाई नीचे आया होता है, क्योंकि भाई मेरे को समझ आ गया था कि भाई शायद ना बंदा अभी लिफ्ट से ऊपर गया है। तो मैंने कहा यार ये लिफ्ट का यूज कर रहा है तो मेरे को भी करना पड़ेगा लिफ्ट का यूज, क्योंकि भाई ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं जो है कंफर्मेशन के लिए भाई ऊपर जाता हूं और चेक करता हूं तो मैं देखता हूं भाई किसी ने उधी से किसी बंदे को मार दिया है। तो भाई अब मैं समझ गया था कि यहाँ पे दोस्तों बंदा तो नहीं है, जो भी बंदा था भाई वो मर गया लिफ्ट से शायद ऊपर गया होगा और भाई उस बंदे ने मार दिया जो टॉप फ्लोर पे बैठा था। तो मैंने कहा चलो भाई मैं भी लिफ्ट यूज करता हूँ और अब देखो भाई लिफ्ट आएगी कैसे और अब देखो मैं उसको कैसे मारूंगा।
और भाई सही बताऊं यार, BGMI हो या पबजी हो, मतलब ये लोग जो है ना भाई काम बड़ा अच्छा करते हैं पबजी वाले, मतलब एकदम रियल फीलिंग आ रही है। अभी आप देखते जाना, जब मैं लिफ्ट में बैठूंगा ना ऐसा लगेगा भाई सही में लिफ्ट में बैठ गया हूं। तो मतलब भाई जो जिंदगी में अपनी लिफ्ट में नहीं बैठा ना कभी भी, तो भाई यहाँ पे दोस्तों मजे ले सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आप देखते, मैंने सीधा 6th फ्लोर करा क्योंकि मुझे पता था वो बंदा टॉप फ्लोर पे होगा, और यहाँ पर मैं जो है टॉप फ्लोर कर देता हूँ। आप देखते भाई काउंटिंग बिल्कुल स्टार्ट हो गई, बिल्कुल लिफ्ट वाली फीलिंग आ रही है, झटके नहीं लग रहे, झटके लगते ना फ्लोर पर कई बार, तो यहाँ पर वो तो नहीं लगे, लेकिन भाई मैं पहुंच जाता हूँ 6th फ्लोर पर। अब जैसे दोस्तों मैं पहुंचता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे एक पेटी पड़ी है, तो मतलब इसने अभी अभी इस बंदे को मारा था, आपने देखा होगा किल फील्ड में। तो मैं ऊपर जाता हूँ और चेक करता हूँ ये बंदा कहाँ पे है। अब यहाँ पे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ तो ये बंदा जो है ना नीचे आ जाता है। ये बंदा बड़ा भाई मेरे साथ जो है ना वो खेल रहा था पकड़न पकड़ाई, तो मैंने कहा बेटा तू बहुत पकड़न पकड़ाई कर रहा है, तेरी तो चोटी रगड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो मैं ऊपर जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि शायद ये ना वापस से ऊपर आएगा, तो मैं यहाँ पे कब्जा कर लेता हूँ, ठीक है, और जैसे ही आएगा इसको मैं लपेट दूंगा। अब फिलहाल तो वो तो आता नहीं है, तो मैंने कहा चलो भाई काम करते हैं, पहले ना थोड़ा सा ये तीर को देखते हैं ये क्या है, ठीक है, ये जो एक्सप्लोसिव बोल्ट है ना इसको भाई यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तीर को निकाला और भाई यूज करना शुरू कर दिया, और अब आप देखो अब यहाँ पे दोस्तों इस तीर की कमाल की बात ये थी कि जहाँ पे आप एम करते हो ना वहां पे नहीं जाता ये, तो आपको थोड़ा बहुत ऊपर फेंकना पड़ता है। आप देखो जैसे कि देखो पत्थर के पार जाके पड़ा है, मतलब जब आप एम करते हो ना तो भाई जाता नीचे की तरफ में ये। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैंने इस तीर को थोड़ा सा यूज तो कर लिया था, लेकिन दोस्तों अभी भी इसकी पावर समझ नहीं आती, मैंने कहा किसी एनिमी पे यूज करके देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो भाई पहले तो इसको मारते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है मेरे को बहुत ज्यादा बाद में पंगा कर सकता है, मेरी फेयरगन भी छीन सकता है, तो पहले इसको मारना जरूरी है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको मारने नीचे जाता हूँ। अब मैंने कहा यार कहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो भाई अभी आप देखते जाने ये वाला बंदा भी क्या कर रहा होगा। भाई साहब सेम से उसी का भाई था ये, हेडशॉट का, यहाँ पे बैठ के कैम कर रहा था भाई ये, मतलब बंदे को ना मार देंगे सोचते सीधा, मतलब फ्रिज कर देगा भाई अगर गलती से मेरे को नॉक कर दिया। अब फिलहाल तो उसके पास ना वो नई वाली गन थी, जैसे कि आपको याद होगा जो मैंने लास्ट वाले मैच में आपको दिखाई थी, तो मैंने कहा यार वो तो नहीं, लेकिन मेरे को याद आ गया मेरे पास ना M4 द गॉड गन थी, तो मैंने कहा अब वक्त आ गया भाई UMP को फेंकने का, क्योंकि भाई मेरे को जो है ना लॉन्ग रेंज वाली गन चाहिए थी, और UMP जो है भाई क्लोज रेंज तो अच्छी है लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पहले इस कार का उठाया और मुझे अच्छे से याद था मैंने जो है M4 द गॉड गन नीचे छोड़ी हुई है, तो मैं फटाफट से उसको लेने जाता हूँ, और भाई फटाफट से इसको उठाता हूं, और मैंने कहा भाई अब तो ये मिल गया, चिकन ड्रम मेरा ही है, अब भाई कोई नहीं छीन सकता मेरे से। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैंने कहा चलो भाई इस तीर को कैरी करके चलते आगे, देखेंगे भाई इसका यूज क्या है बाद में। और यहाँ से दोस्तों मैं कमलेश की सारी हरी वाली गोली चुराता हूं, और यहाँ से दोस्तों भाई फटाफट से लिफ्ट का बटन दबाता हूं दोबारा से, और भाई फटाफट से जो है नीचे जाता हूं। और भाई मतलब मजा ही आ गया था भाई, मस्त फीलिंग आ रही थी, मैंने सीधा ग्राउंड फ्लोर दबाया, और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं भाई लिफ्ट भी जो है फटाफट से जो है एकदम पहुंचा देती है आपको भाई। अब जैसे दोस्तों मैं ग्राउंड फ्लोर पे आता हूँ ना, तो भाई मेरे को एक ही चीज पता थी कि यहाँ पे दोस्तों मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि भाई ये जो टावर है ना जोन के बाहर हो चुका था, तो मेरे को जो है दोस्तों जोन में जाना था, और वही फटाफट से जो अपनी फ्लेयर गन चलानी थी, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं भाई फटाफट से एक बाइक ढूंढता हूँ और धूम बचाते निकल जाता हूँ सीधा जोन के अंदर। अब यहाँ पे भाई मेरे को जो है पहले भिड़े का स्कूटर मिलता है, तो मैंने कहा यार ये भिड़े का स्कूटर को मिल गया। अब यहाँ पे इतने में जो है मेरे को भाई आगे जाके एक बाइक भी मिल जाती है, तो मैंने कहा चलो हाँ ये चीज सही मिल गई है, इस पे बैठते हैं और फटाफट से जो जोन में जाते हैं। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मेरे को डिसाइड ये कर रहा था कि कहाँ पे जाऊँ, तो मैंने जो है भाई पोचिंग की में मार्क लगाया जो स्क्वाडोस है ना वहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता था वहाँ पे जो है ना मैं इजिली जो है भाई फ्लेयर गन चला सकता हूँ और कोई आएगा तो उसको मार भी सकता हूँ। तो अब देखो बस क्या होगा। अब यहाँ पे मैं धूमा चाहते हुए भाई स्क्वाड ऑफ की तरफ तो आ गया था, लेकिन दोस्तों मेरे को भाई क्या चाहिए थी AWMMM, क्योंकि भाई मैं खेल रहा था सोलो, तो मैंने भाई सीधा फ्लेयर गन निकाली, रीलोड मारी और भाई अपना कोड वर्ड डाल दिया। AWM, और भाई प्लीज जादू AWM दुला दियो। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैंने कोड डाल दिया था, अब देख रहे थे दोस्तों यहाँ पे जो है AWM आती है या नहीं आती, या फिर AR आती कि नहीं आती, क्योंकि भाई दोनों स्नाइपर कुछ भी आ जाए भाई अपना काम बन जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है अब मैं सोच रहा था क्या करूँ जब तक फ्लेयर गन आ रही, क्योंकि भाई आसपास कोई बंदा भी नहीं दिख रहा था मेरे को, और एकदम पोचन की में भी एकदम सन्नाटा था, तो मैंने कहा क्यों ना भाई सन्नाटे का फायदा उठाया जाए और भाई इस तीर कमान को यूज करके देखे भाई क्या है ये तीर कमान। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो है स्क्वाडोस की बालकनी में आता हूं, और भाई यहाँ पे दोस्तों मैं सोचता हूँ कि चलो भाई इसे ना गेट वेट तोड़ के देखते हैं और इसका AWM चेक करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखते भाई मैं AWM लगा के देख रहा था भाई कैसी ये चीज, तो भाई मैं सोच रहा था गेट वेट फूट जाएगा ऐसे, तो मतलब तगड़ी चीज है भाई ये, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ खास लगी नहीं, मैंने कहा ये तो टट्टी है। अब मैंने कहा यार इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो फिर दोस्तों कमलेश बोलता है गौरव डोंट फियर आई एम हियर। कमलेश
और मैंने कहा अरे भाई भाई कमलेश आ गया भाई, मतलब इस्तेमाल करने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो कमलेश आता है, गौरव डुन 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 आ जा मेरे को मार ले, और भाई चेक कर ले कैसा ये। मैंने कहा रुक जा भाई, तो मारूंगा और केड़ी भी बढ़ाऊंगा। और भाई साहब कमलेश भी भाई देख रहे हो मेरे साथ पकड़न पटाई खेल रहे हैं पूरी की पूरी, भाग रहे इधर से उधर। मैंने कहा अरे कमलेश रुक जा यार एक जगह स्टेबल, और यहाँ पर तो आप देख मैं आस पास कमलेश के मार रहा हूँ, लेकिन भाई इससे तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने कहा क्या टट्टी है, और इसके चक्कर में भाई मेरा स्कोप भी ग्लिच हो गया था। मैंने कहा क्या सस्ते नशे कर रखे भाई ये, बीडी वीडी पी रखे क्या एम4 द गॉड गन ने। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है ना मैं देख रहा था वापस से मेरा लेट नहीं से भाई स्कोप तो ठीक हो गया, इतने मेरी फ्लेयर गन भी आ रही थी, और ऊपर से आसमान से पता नहीं काली टट्टी कौन फेंक रहा था। अब मतलब ये भाई जो है गुटका था, मतलब गुटका जोन था ये। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर कमलेश वापस आता है, मैं सोचता हूँ चलो M4 द गॉड गन से इसको मार देते हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार कमलेश बिल्कुल पास आ गया, कह रहा ले मार तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की है नहीं, मार रहा मार रहा बोला ना मार रहा अब ना हिलेगा ना डुलेगा। फिर कमलेश पीछे भागता है डुन डुन डुन। मैंने कहा कमलेश भाई एक जगह रुक जाना। अब भाई मैंने कितना कोशिश करी मारने की, लेकिन भाई सही बताऊँ ये तीर टट्टी है भाई, एनिमी के सामने मत चला देना। फिलहाल दोस्तों कमलेश बोल के ले ले मार ले, लेट गया तेरे बस की नहीं, ले ले अब तो मार दे। अब फिलहाल दोस्तों भाई फाइनली मैंने कमलेश की भाई पुंगी बजा दी। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है फाइनली मैंने इससे इसको मार दिया, लेकिन भाई आपको मैं एक ही चीज की एडवाइस दूंगा भाई इसके चक्कर में मत पड़ना। अब फिलहाल दोस्तों इतना भाई मेरा जो है प्राइवेट ड्रॉप भी आ गया था, और भाई इसको देखते दोस्तों यहाँ पर जो मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। तूने कह रहा जादू, और मैंने जादू को बोला थैंक यू जादू, थैंक यू जादू। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो भाई ड्रॉप में AMR तो आ गई थी भाई, AWMM तो नहीं आई, लेकिन मैंने कहा चलो भाई इससे भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर तो मैंने जो है जादू को थैंक्स बोल दिया, और उसका दोस्तों यहाँ पे जो है गर्जा उठा ली, और भाई यहाँ पे दोस्तों जो है M4 तो गॉडगन को छोड़ दिया। अब आप सोच रहे दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने भाई वो की छोड़ दी, लेकिन दोस्तों वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप देखो ये बंदा आया धुम्म चाले टिट्टी खा ले धुम्म चाले, और भाई गाड़ी यहाँ पे लाके ठोक दी, और सोच रहा था मेरा ड्रॉप लूटेगा। हाँ मेरे ड्रॉप पे नजर, मेरे ड्रॉप पे नजर। जी मेरे सामने ना साले हद ही मारूंगा खोपड़े में। अब यहाँ पर तो मैंने जो है M4 तो गॉडगन से छोड़ दी थी, क्योंकि भाई सोलो में ना आपको पता ही है वैसे भी जो है क्लोज रेंज में ज्यादा फाइट होती है, मतलब ठीक है लॉन्ग रेंज की कमी होती है, और लॉन्ग रेंज के लिए दोस्तों वैसे मेरे को एक स्नाइपर मिल गई थी, इसलिए दोस्तों मैंने जो है M4 तो गॉडगन को छोड़ा, क्योंकि आपको पता है आजकल ना क्लोज रेंज में उसकी पावर उतनी नहीं रही है। और यहाँ पर जो मैं इस बंदे को लूट रहा था ना भाई, इसके पास दोस्तों यहाँ पर जो मेरे को ग्रैपलिंग हुक मिल जाता है, तो मैंने कहा चलो भाई अब तो मेरा स्पाइडरमैन वाली पावर भी आ गया। अब यहाँ पे मैंने जो बस लूटा पार्टी कर रही थी इसकी पेटी से, और भाई यहाँ पर मेरे को जो है बाइक मिल जाती है, तो यहाँ पे मैं जो है वापस से निकल जाता हूँ बंदे ढूंढने के लिए धूम मचाते हुए। और आप देखो अब यहाँ पर जो मैं जो ब्रिज क्रॉस करने के लिए जा रहा था धूप बचाते हुए, मुझे सामने बग्गी वाल दिखता है, और भाई इसको देख के मेरा कुछ रिएक्शन होता है। अब मैंने कहा बंदा बंदा बंदा। अब यहाँ पर भाई मेरे को डर लग रहा था कहीं उतर के मेरे को पेल ना दे, और भाई उसको डर लग रहा था मैंने इसको पेल दूँ, और भाई ऐसे होते दोस्तों यहाँ पर जो है दोनों एक साथ गंदी नहीं दिखाते हैं, और मैं तो रुक जाता हूँ, लेकिन भाई वो बग्गी स्लो ही करता है बेचारा, गाड़ी से उतरता नहीं है, और भाई मैं इसको जो है जीवन भर के लिए उतार देता हूँ, मतलब भाई सीधा लॉबी पहुंचा देता हूँ। अब फिलहाल दोस्तों उसको मारने के बाद भाई मेरे को जो है पेटी तो लूट रही थी, आपको पता है क्योंकि गंदी मेरी बहुत ज्यादा है, तो कूड़ा जरूर बीनूंगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मैंने 500 का बंडल फेंक के मारा, और भाई इसके जो है एक प्लेट मोमोज चुरा लिए, मतलब इसके पास मोमोज थे थोड़े से, तो आपको पता है भाई मैंने इसका नया नाम निकाल दिया अब, ठीक है बन का, तो इसको अब से हम मोमोज बोला करेंगे। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने इसकी बग्गी उठाई फटाफट से, और यहाँ पे तो बाकी ये बंदे ढूंढे निकल पड़ा। अब यहाँ पर मैं जो है सीधा अपनी बग्गी ला के मार्शल छोड़ा उनके पास रोकता हूँ, मतलब मार्शल एरिया के पास में, और यहाँ पर एक ऑरेंज वाली टैक्सी वाला बंदा आता है। अब भाई मैं इसको इतना ज्यादा फायर देता हूँ, तो भाई ये डर के मारे जो है गाड़ी रोक ही देता है, और यहाँ पे जैसे ही रोकता हूँ तो मैं सोचता हूँ चलो भाई मैं ओपन में इसको AMR से मार दूंगा, लेकिन मेरे को पता था भाई इतना भी ओपन में रहना ठीक नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं टीपी भी लेता हूँ, और भाई साहब उसके दोस्तों सिलाई मशीन, तो भाई वो मेरी गाड़ी को सीलने की कोशिश करता है, मतलब पहले मेरी बग्गी को मारता है, तो मैंने कहा एक बार मुंडी दिखा देते टट्टी निकाल दूंगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है मेरे को पता था मुंडी दिखाएगा जरूर, ये अंदर भाग रहा था बार बार जिगल करके, तो भाई इसके एक हाथ पे हेडशॉट पड़ता है मेरा, हेडशॉट क्या है मतलब भाई हाथ पे हेडशॉट पड़ता है, मतलब हाथ के अंदर गड्ढा हो जाता है हाथ का हेडशॉट। ठीक है समझ गया, तो समझ रहे हो ना अब मैं क्या कहने चाह रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है अब इसको मैं मार तो पाया नहीं था, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं गाड़ी के टायर ही फोड़ देते हैं। अब फिर मैंने सोचा गाड़ी के टायर फोड़ने से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो है टायर फूट नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं इसकी गाड़ी फोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता भाई AMR से कितनी जल्दी गाड़ी फूटती है, तो मतलब दो ही बुलेट में आप देख सकते हो भाई क्या ही धुआं निकल गया, और भाई वो चिढ़ गया था कि भाई ये मेरी गाड़ी फोड़ रहा है, मैंने कहा बेटा गाड़ी तो मैं फोड़ूंगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इसकी गाड़ी फोड़ देता हूँ, और उसके दोस्तों मैं सोचता हूँ कि चलो आप इसको फोड़ देंगे बारी आगे, तो ये मुंडी जरूर दिखाएगा। और अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो इसके पास होता है डांसिंग लोन, और भाई इसको पीछे से पड़ती है जैसे कि आप देख रहे हो। अब यहाँ पे इसका तो हो गया था सैंडविच, तो भाई इसको जब दोनों तरफ से पड़ रही थी ना, तो मैं को समझ आ गया था कि भाई कहीं ना ये फंस चुका है, और अब ये पिटने वाला है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है मेरे को लगा ये मर गया मर गया। और यहाँ पे दोस्तों ऐसे ही होता है इसका हरे रंग का धुआं निकल जाता है, मैं समझ गया था भाई ये जो है मर गया है। और दूसरा बंदा आता है भाई डांसिंग लोयल लेके इसके पास, तो भाई आप देख सकते हैं जैसे ही आता है तो मैंने कहा चलो इसको मैं मारता हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है इसको शायद पता था मैं यहीं पे हूँ। और आप देखो अब यहाँ पे मेरे को पता था ये जो बंदा है ना डांसिंग लोयल बन के भाई मेरे ऊपर रश जरूर करेगा, और ऐसे ही होता है दोस्तों अभी देखना ये मेरे को झाकता है और डांसिंग लोयल बनता है। अब जैसे दोस्तों उसने मेरे को झाका तो भाई मैं इसकी शॉट मारता हूँ, लेकिन तुरंत ही डांसिंग लाइन बन जाता है और मैं दूसरा शॉट मारता हूँ।
और यहाँ पे दोस्तों इसी के साथ इसका खेल खत्म। अब फिलहाल जो मैं इसको मारता हूँ ना भाई, पीछे से भी जो है थोड़ी बहुत बमबानी वगैरह होती, तो पीछे भी शायद कोई बंदा आ चुका था, तो मैं चेक करता हूँ कहाँ पे बंदा। अब यहाँ पे मैं काफी ताका झाकी करता हूँ, लेकिन भाई मेरे को आसमान में पता नहीं क्या ड्रोन उड़ते दिख रहे थे, मतलब क्या था भाई ये। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि भाई चलो यहाँ से निकलते हैं, काम करते हैं। और भाई इस बंदे ने जो मेरी ना बग्गी का भी बहुत बुरा हाल कर दिया था, मतलब जो सिलाई मशीन वाला बंदा है ना, तो मैंने कहा चलो भाई सिलाई मशीन कर लूंगा, बंदों को सी लूंगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं जा रहा हूँ इसी एक्साइटमेंट के साथ में, और अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पे मेरे को जो आते भाई से यहाँ पे जो है ना डांसिंग लोन मिल जाता है, तो मैं और ज्यादा खुश होता हूँ। मैंने कहा भाई इसी चीज़ की तो कमी थी, और भाई मेरे को यहाँ पे 6x भी मिल जाता है। और अब यहाँ पे दोस्तों जो है ना AMR के अंदर ना सिर्फ 2 AMO बची थी, तो मैंने कहा यार AMR का तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अब इसको फेंकना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ मैं जो है अपनी M4 द गॉडगन वापस उठाऊंगा, और साथ में रखूंगा सिलाई मशीन गन। तो यहाँ पे दोस्तों जो है मैं ग्रोजो को छोड़ता हूँ, और साथ में दोस्तों यहाँ पे जो है M4 द गॉडगन उठाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों इधर एक बंदा आ जाता है। अब दोस्तों जैसे पहाड़ी में बंदा आता है तो मैं सोचता हूँ कि भाई पहले थोड़ी देर कवर में रहता हूँ, क्योंकि भाई वो मेरे को मार देगा, इसलिए मेरे को पता था। अब यहाँ पे जो ये वाला जो बंदा है सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे बदला लेना है, क्योंकि इसको कैसे पता भाई यहीं पे एक्जैक्ट बैठा हूँ, और भाई यहीं पे आके भाई कैंप कर रहा है। तो मैं समझ गया था कोई ना कोई ये इन दोनों में से एक बंदा है जो कि यहाँ पे मरा था, और ये वापस अपनी पेटी लूटने आया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मैंने लगाया कोरोना का टीका, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे लोगों को था यहाँ पे पीटा, तो फिर मैंने कहा चलो भाई इसको लगा के यहाँ पे बैठते हैं और कैंप करते थोड़ी देर, और सही मौके की तलाश में जो है ना यहाँ से लूटा पार्टी करके निकल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो है मैं इसके चक्कर में M4 तो गॉडगन नहीं उठा पाया था अपनी। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं बीडी के बंडल होते तो भाई वही फेंक के मारता हूँ, क्योंकि दोस्तों उसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, तो भाई मेरे को बीडी पीनी पड़ जाती है, और भाई बीडी के अंदर ही भाई लूटा पार्टी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है बीडी के बदमूर को सोनी तो पड़ गई, और भाई मेरे फेवरेट तक घुस गया था बीडी का धुआं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ना जब मौत आती है तो भाई आपको जो है सब कुछ झेलना पड़ता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो मेरे को बीडी झेलनी पड़ रही थी, और यहाँ पर दोस्तों भाई इसके अंदर बैठ के लूटा पार्टी करनी पड़ती थी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मेरे को M4 तो गॉडगन तो मिल जाती है, और भाई मेरे को M4 तो गॉडगन प्लस 6x मिल गया था, आपको तो पता है M4 तो गॉडगन प्लस 6x तबाही है। तो मैंने कहा चलो भाई सब बंदों की पिटाई करते हैं। अब इतने में दोस्तों यहाँ पर जो ये वाला बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है, लेकिन भाई ये जो है वापस से उल्टी गाड़ी फेर लेता है, मतलब मेरे को देख के। तो मैंने कहा अरे भाई क्या हो गया आना रश करने आना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ये बंदा सोचता है कि मैं ना ऊपर घर पे कैम करूंगा और फिर इसको मारूंगा, लेकिन दोस्तों उसको पता नहीं था मेरे पास है डांसिंग लोन, और अब देखो उसकी कैसी पिटाई करने वाला हूं मैं। अब यहां पर जो मैं जो है भाई फटाफट से डांसिंग लोन बनता हूं, और अब देखो उसको कैसे पिटूंगा मैं। डुन 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 डुन। अब फिलहाल दोस्तों यहां पे मैं चूरट की स्पीड में आता हूं, और भाई गॉड से इसको भाई पूरा का पूरा टेढ़ा कर देता हूँ। हालांकि दोस्तों पहले ये टेढ़ा हो रखा था, पता नहीं ऊपर पिक करके मारने की कोशिश करता था मेरे को। अब दोस्तों यहाँ पे जो है इसको मार के भाई मैं लूटा पार्टी करने आता हूँ भाई फटाफट से स्पाइडरमैन पावर का यूज करके। और दोस्तों इतने में भाई जोन आता है, अब मुझे दिख गया था भाई जोन आ रहा है मेरी लेगा पप्पी देख ले। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने एक मोमोस की प्लेट भाई फटाफट से ठूस ली, मैंने कहा भाई लास्ट में तो भाई क्या पता मौका मिले ना मिले, अभी ठूस ले। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने मोमोस की प्लेट ठूसी भाई फटाफट से, और दोस्तों यहाँ पे बैग में चेक करा क्या क्या है भाई इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या नहीं है, और भाई जो भी मेरे को चीजें चाहिए होती है भाई फटाफट से यहाँ से सारी चीजें लूट लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरी जो है ना लूटा पार्टी तो पूरी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो भाई वापस से डांसिंग लोन बनते हैं, और भाई इसी को लेकर जो है जोन में निकलते हैं, क्योंकि गाड़ी भी खड़ी थी लेकिन भाई डांसिंग लोन चलाने का ज्यादा मजा है। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना भाई मैं फटाफट से भागता हूँ, उसको चार्ज करता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों इसकी जैसी चार्जिंग पूरी होती है ना, फिर तो भाई आप क्रिश को बिरा दो, इतनी तेज पावर आ जाती है इसके अंदर। आहा हा। और अब देखो भाई साहब क्या ही जब मारता है, मतलब मजा ही आता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं भाई इसको लेके भाई जोन में तो आ जाता हूँ। लेकिन दोस्तों मेरे अलावा ना अभी काफी सारे बंदे बचे हुए थे जोन में, मेरे अलावा 6 बंदे बचे हुए थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में चिकन ट्रे निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा? अब यहाँ पे दोस्तों जो है बस मैं जो है आगे बढ़ ही रहता हूँ, मेरे को लग रहा था भाई कहीं ना कहीं तो बंदा मेरे को मिलेगा ही। और अब देखो यहाँ पे दोस्तों मेरे को एक बग्गी भी दिखती है, तो मैं यहीं पे जो है थोड़ा बहुत राउंड मार रहा हूँ, और मेरे ऊपर फायर होता है। मैंने कहा बेटा तूने गलती कर दी फायर करके, और अब देखो उसको मैं कैसे मारूंगा। लेकिन दोस्तों इतने में एक बग्गी भी आती है, अब मैंने कहा यार मैं फंस गया साइड भी ना बन जाए मेरा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है बग्गी वाला तो आगे निकल जाता है, तो मैंने कहा चलो भाई लगाता हूँ तके तक टूट जाए मेरी हड्डी, क्योंकि दोस्तों उसने मेरे को जो है थोड़ा बहुत तो टाइम दे दिया था। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है अब वो बंदा मेरे ऊपर रश करने आ रहा है डांसिंग लोन बन के ही। अब यहाँ पे मैं जो इसको अच्छा खासा सिलाई मशीन से छीलता हूँ, और भाई मैंने उसके डांसिंग लोन को फोड़ ही दिया था। लेकिन दोस्तों इधर यहाँ पे जो है ये दूसरा बंदा आता है, और भाई आप देख सकते हैं क्या ही डैमेज दिया इसने मेरे को। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक लैपटॉप होता है, तो मैं फटाफट से लगा रहता हूँ, लेकिन भाई मेरे को डर लग रहा था, मैंने कहा कहीं फेंकना दे बम्बारी और सामने वाला बनना जाए अंबानी। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैंने डिसाइड करा भाई मेरे पास कोरोना का वगैरह काड़ा है, तो भाई मैं पहले वो फेंक के मारूंगा और उसको जला दूंगा। और भाई मेरा परफेक्ट गया था आप देख सकते हैं, लेकिन भाई वो जस्ट हट गया। और भाई साहब यहाँ पे दोस्तों वो जो है काफी अच्छा खेल रहा था,
लेकिन भाई मेरे प्रीकार में आ जाता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है इसको मैं मारता हूँ, उसके दोस्तों यहाँ पर जो है भाई मैं वापस एक और मोमोज की प्लेट खा लेता हूँ, क्योंकि भाई मरने से पहले जो है ना सारी चीज़ें पूरी कर लेनी चाहिए, मतलब मोमोज वोमोज सब खा लो भाई, फिर देखा जाएगा जो भी होगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो है मैं इसकी पेटी लूटने आता हूँ, और भाई इसकी पेटी में जो है मेरे को बहुत सारे मोमोज लैपटॉप वैपटॉप सब कुछ मिल जाता है, जो मेरे को चीज़ चाहिए होती है, तो मैं फटाफट से उठाता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों इसकी लूटा पार्टी मैं कर लेता हूँ, फिर मैंने चलो भाई अब यहाँ से ना डांसिंग लाइन बन के निकलते ही है। इसलिए दोस्तों भाई मेरे पीछे फायर होता है और भाई मैं डर जाता हूँ, अटक जाता हूँ, आप देख सकते हो भाई मैं एक जगह जंप मार रहा था, मैंने कहा क्या हो गया क्या हो गया। तो यहाँ पर मैं जो थोड़ा आगे निकलता हूँ भाई डांसिंग लाइन को लेकर, और मैं जो है वापस से भाई कवर में आता हूँ। अब भाई साहब ये वाला जो बंदा है ना कब से कैम कर रहा था, मतलब भाई एकदम से मेरे को मार देता है, वो तो उसका एम पता नहीं इसने हक दिया या पता नहीं क्या कर दिया, तो भाई मैं बच गया। अब यहाँ से मेरे को ये बंदा दिखता कैसा लगे, फिर मैंने कहा इसको कैसे मारूं कैसे मारूं, तो मेरे मन में आता है इसको एक काम करता हूँ डांसिंग लोयन बन के मारता हूँ, उसके पीछे जाके इसको मार दूंगा। अब मैं ऐसा सोच ही रहता हूँ, लेकिन अब देखो ये गधा क्या करेगा। लेकिन दोस्तों ये खुद ही जो है ज़्यादा रशर बनता है, अभी आप देखो मैं जैसे मैं बना ना, तो भाई ये जो आगे बढ़ रहा था, मैंने कहा रुक जा बेटा अभी बनाता हूँ तेरे को रशर। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को पता चल चुका था आगे आ चुका है, तो भाई मेरे पास से बम्बानी, तो मैंने कहा चलो भाई बनते हैं अंबानी, और भाई मैं बम्बानी की ना बरसात कर देता उसके ऊपर। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने बम्बानी फेंक दी ना, तो भाई मैं आगे रश करने भाग जाता हूँ, और भाई इसमें पोजीशन चेंज कर ली थी, और इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैं इसको खत्म कर देता हूँ। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना भाई ये वाला भी बंदा मर जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है मेरा डांसिंग लोन जो डैमेज था, और भाई इसके पास जो डांसिंग लोन था ना भाई मेरे को पता था वो एकदम सही होगा फ्रेश होगा, तो मैंने कहा चलो भाई उसको उठाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों उससे पहले जो है मैं थोड़ी बहुत लूटा पार्टी करता हूँ, और भाई मेरे 9 किलो गए थे, लेकिन दोस्तों इसकी बेटी बात मैं देखता हूँ AWMMM। तो मैं भाई काफी ज्यादा खुश था, मैंने कहा अरे भाई साहब मजा आ गया। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं इसको उठा देता हूँ, और सर दोस्तों यहाँ पे जो मैं यम फोर द गॉड गन को फेंक देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जोन जो है ना काफी ज्यादा छोटा हो गया था, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना भाई लाइट मशीन गन को ही चलाया जाए और साथ में AWMMM को चलाया जाए, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं स्लाई मशीन गन को और साथ में AWMMM को उठाता हूँ, और भाई साथ में दोस्तों अपना ATAX भी उठाता हूँ जो कि मैंने छोड़ दिया था। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को जो है AWMMM भी मिल गई थी और भाई स्लाई मशीन गन भी मिल गई थी, तो मुझे पता था चिकन के मेरे बहुत ज्यादा चांसेस है, लेकिन दोस्तों कैंपर का कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं आगे जाता हूँ और रिच का कवर लेता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है रिच का कवर ले लिया था, और भाई जोन जो है मेरे ऊपर में ही था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे को कोई भी बंदा दिख नहीं रहता, और यहाँ पे दोस्तों मैं जो है काफी देर तक टाइम वेस्ट कर भी सकता था, क्योंकि भाई मेरी आदत नहीं है भाई काफी ज्यादा कैंप करने की। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मैं ना कोई रैंक पुश कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो भाई फटाफट से आके घुस के मारते, क्योंकि भाई ये तो पबजी मोबाइल है ना भाई, BGMI होता तो मैं थोड़ा बहुत सोचता भी, क्योंकि मैं रैंक पुश कर रहा था वहाँ पे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैं जो भाई वापस से डांसिंग लोन बनता हूँ, और अब देखो इन लास्ट के दोनों बंदों को भाई डांसिंग लोन बनकर कैसे मारूंगा। अब यहाँ पे उसमें जो भाई पूरी ताकत के साथ भाग रहा था, मैं कह रहा था भाई कोई तो दिखेगा कोई तो दिखेगा, लेकिन भाई मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा था, मैंने कहा अरे कहाँ गए बंदे कहाँ गए। अब एक भी बंदा दिख गया तो भाई मैं फटाफट से मारू या कोई मेरे ऊपर फायर करे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो है मेरे ऊपर कोई फायर ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों जो है मैं ऐसे भाग रहा था, भागो रे भागो रे भागो रे भागो रे भागो रे भागो रे, जब मारो और बंदे ढूंढो, मारो रे मारो रे मारो रे। अब यहाँ पर सोच ना तो मेरे ऊपर कोई फायर कर रहा था, तो भाई मैं सोच रहा था बंदे है किधर, लेकिन दोस्तों अब देखो मेरे को बंदा दिखेगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं जो भाई दौड़ लगा ही रहा था, फिर मैं देखता हूँ एक बंदा आ रहा है ऑरेंज वाली टैक्सी लेके भाई जोन के बाहर से, बहन का भाई क्या बंदा है अभी तक जोन के बाहर घूम रहा था, और भाई ये जो है देखो भाई क्या होने वाला है, इसकी और मेरे रेस लग जाते हैं भाई, ये मेरे को उड़ाने की कोशिश करता है पहले तो, लेकिन यहाँ पे दोस्तों भाई फाइनली ये जो है गाड़ी छोड़ देता है, और भाई इसकी सबसे बड़ी गलती यही होती है आधी जोन ने पप्पी ली और आधी मैंने इसको स्लाइव मशीन से सील दिया। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है इसको मैं मारता हूँ, और भाई फटाफट से जो अपनी तकिया वगैरह लगाता हूँ, क्योंकि भाई मेरी टूट गई थी हड्डियाँ थोड़ी बहुत। अब फिलहाल दोस्तों जैसे ही मैं तकिया लगाता हूँ, तो भाई अपनी स्लाइव मशीन गन को रीलोड मारता हूँ, और मैंने कहा चलो भाई अब ये वाला बंदा जब मैंने ढूंढ लिया डांसिंग लोन से, तो भाई लास्ट वाला बंदा भी क्या चीज है वो भी मिल जाएगा, और भाई लास्ट वाले बंदे को देखो मैं क्या ही ट्रोल करने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं डांसिंग लोन बनता हूँ, और अब देखो मेरे को बंदा दिख भी जाएगा, और उस बंदे की हरकतें देखना आप बस। अब मैं जंप कर रहा था, और भाई मेरे को सामने बंदा दिखता है, और देखो ये कितना नूबड़ा है, मतलब ये नूबड़ा है पता नहीं, जंप के नूबड़ने की कोशिश कर रहा था, मैं इसके मुंह पे जाके खड़ा हो गया, और इसी तरह दोस्तों यहाँ पर जो है भाई इजी चिकन रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा फटाफट से फॉलो कर लो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।